वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो टुडे वी विल डिस्कस पार्ट टू। पार्ट वन में हमने देख लिया था सारी चीजें। तो क्लास सेवन हिस्ट्री में हमने चैप्टर वन में पार्ट वन कम्प्लीटली कर लिया था और हम कर रहे थे हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। तो हिस्टोरियन सोर्सेज में हमने देखा था कई तरीके के सोर्सेज होते हैं, रूलर्स से ले सकते हैं हम, कोई एविडेंसेज हो गया उनकी इन्वेस्टिगेशन, उनके फैक्ट्स वगैरह स्टडी करके ले सकते हैं, कोई ईयर में डेवलप हुआ है वो हम देख सकते हैं। तो सारी चीजें हमने हमारे फर्स्ट पार्ट में देखी थी। अब हम हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेज पर आगे चलते हैं। चलिए, यू विल नोटिस सम कंटिन्यूटी इन द सोर्सेज यूज्ड बाय हिस्टोरियंस फॉर द स्टडी ऑफ दिस पीरियड। तो आप नोटिस करेंगे क्या कंटिन्यूटी इसमें सोर्सेज में जो हिस्टोरियंस यूज करते थे फॉर द स्टडी ऑफ दिस पीरियड। तो जो भी हिस्टोरियंस थे इस पीरियड के जो स्टडी करते थे सोर्सेज को, उन सब में कंटिन्यूटी थी कि वो वन बाय वन एवरी सोर्स दे विल गिव और दे विल गो थ्रू, दे स्टिल रिलाय ऑन कॉइन्स। वो आज भी कॉइन्स पे रिलाय किए हुए कि फ्रॉम कॉइन्स वी कैन से दिस इज अ कॉइन ऑफ दिस पीरियड एंड दिस इज द कॉइन ऑफ दिस पीरियड। एंड इंस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया और आपको पता होगा इंस्क्रिप्शन होते क्या, वो जो एक स्टोन या किसी हार्ड सरफेस पे हम बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। तो ये क्लियर है, चलिए अब आगे चलते हैं। आर्किटेक्चर भी कई तरीके का हो सकता है, ठीक है, कई तरीके की बिल्डिंग्स की आर्किटेक्चर होती है। एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ये सारी चीजें जो है यूज करते हैं वो क्या, एज इंफॉर्मेशन। वो क्या करते हैं, इन सबको यूज करते हैं एज इंफॉर्मेशन। आप सब इनको अच्छी तरह से रिमेंबर कर सकते हैं, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहां तक हमने देखी है, बट देर इज ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी। मगर क्या है, डिसकंटिन्यूटी भी है, मगर क्या है, डिसकंटिन्यूटी है। क्यों नहीं होगी भाई डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी होनी बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि अगर एक सोर्स मिलेगा और वही सोर्स हमें दोबारा मिल रहा है कहीं दूसरी जगह पर कंटिन्यूटी में, तो हमें ये लगेगा वो पीरियड सेम है। और अगर अलग अलग मिल रहे हैं दैट मीन्स दिस वन इज दैट पीरियड एंड दिस वन इज दैट पीरियड, तो हमें जो पीरियड्स के अकॉर्डिंग उनमें पता लग जाएगा। अदरवाइज वी विल फोकस ऑन जस्ट वन पीरियड। सो द नंबर एंड वेराइटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड की बात जो हम कर रहे हैं वो इस पीरियड में हम देखें तो कई तरीके की चीजें ड्रास्टिकली चेंज होती रहती है, रिकॉर्ड जो चेंज होते रहते हैं। दे स्लोली डिस्प्लेस अदर टाइप्स ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन, वो अदर प्लेसेस की इंफॉर्मेशन को इतना ज्यादा यूज नहीं करते फॉर एस्टेब्लिशिंग वन प्लेस इंफॉर्मेशन। नाउ थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकम चीपर, तो बाद में इससे ऐसा पता लगता है कि जो पेपर था बहुत ज्यादा चीपर था, इस वजह से तो हर कोई हिस्टोरियन पेपर में लिखा कर रहा था। तो इसका मतलब उस टाइम अगर वो वाला टाइम देखें तो उस टाइम पे भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि इसके एक टाइम ऐसा आया होगा कि पेपर जो है वाइडली अवेलेबल हो गया और वो फ्रीली अवेलेबल होता था। बिकॉज वी हैव बुक्स विच गिव अस दिस थिंग। पीपल यूज टू राइट होली टेक्स्ट, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, लेटर्स, टीचिंग्स ऑफ सेंट्स, पेटिशन एंड जुडिशियल रिकॉर्ड एंड फॉर रजिस्टर्स ऑफ अकाउंट एंड टैक्स। एवरीथिंग दे राइट इन होली स्क्रिप्ट, एवरीथिंग दे राइट इन होली स्क्रिप्ट। तो एक तरीके से जो है होली टेक्स्ट वो लिखा करते थे, क्रॉनिकल्स और रूरल्स के बारे में लिखा करते, कई तरीके होली टेक्स्ट हो सकते, कुरान, बाइबल, रामायण, महाभारत, देयर आर मेनी होली टेक्स्ट, विचित्र भगवद्गीता, तो दीज टाइप ऑफ थिंग। ये तो हमने देख लिया होली टेक्स्ट लिखा करते थे। अब देखें हम तो मैन्युस्क्रिप्ट्स भी थी, मैन्युस्क्रिप्ट्स मैंने आपको बताया था जो सरफेस जो है वो क्या होता है, सरफेस हार्ड नहीं होता, सरफेस जो थोड़ा सॉफ्ट सरफेस होती है, जैसे कि पाम लीफ वगैरह हो गए, ये सॉफ्ट सरफेस।
वहां पे मैन्युस्क्रिप्ट लिखे जाते हैं, वर कलेक्टेड बाय वेल्थी पीपल। जो वेल्थी पीपल होते थे वही मैन्युस्क्रिप्ट तरीके की जो चीजें वो कलेक्ट करते थे, रूलर्स अपने बारे में रूलर्स जो लिखा करते थे फॉर देयर फ्यूचर जनरेशन। मोनास्ट्रीज बनाते थे, देयर आर मेनी मोनास्ट्रीज दे हैव बीन गिवन टू अस बाय देम व्हिच विल बी गिवन टू अस बाय देम एंड टेम्पल्स। कई तरीके के आपको टेम्पल्स मिल जाएंगे, मंदिर मिल जाएंगे एंशियंट टाइम के, क्योंकि उस टाइम पे जो रूलर्स थे वो जिस रिलीजन को मानने वाले थे, जिस गॉड पे बिलीफ रखने वाले थे, उनके वो टेम्पल्स बना दिया करती थी, ठीक है, जस्ट फॉर देयर बिलीव्स। ओके, अंडरस्टूड? नाउ विल मूव फॉर देम। देवर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्चीज। देवर प्लेस्ड इन वेयर? लाइब्रेरीज और आर्चीज में जो है उनको प्लेस करके रख दिया जाता था, इन मैन्युस्क्रिप्ट जो है उनको रख दिया जाता। आर्चीज क्या होता है? आर्चीज होते हैं कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बस हिस्ट्री के कुछ डॉक्यूमेंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उन सबको इन आर्चीव एज अ लाइब्रेरी, यहाँ पे जो है कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हम बोल सकते हैं। आर्चीव को क्या बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे रखा जाता है। अब देखिए आगे, मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन टू हिस्टोरियंस, बट दे आर ऑल्सो डिफिकल्ट टू यूज। बट ये जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती थी इन मैन्युस्क्रिप्ट्स की, जो सॉफ्ट सरफेस पे लिखे जाते थे, उन्हें पढ़ना आसान नहीं था, उनकी जो कंडीशन थी वो भी डिफर कर जाती थी, बिकॉज ये पाम लीफ नेचर के, इस वजह से इनमें क्या है, कई तरीके के एनवायरमेंटल इफेक्ट की वजह से कुछ कुछ जो चीज़ें थी वो सूख जाती थी या मे बी वो डिसअपियर हो जाती थी। तो इनको रीड करना इज नॉट अ गुड वे, और मे बी इट इज नॉट अ गुड थिंग फॉर देम, बिकॉज उस टाइम पे इस तरीके की जो है चीजें नहीं हुआ करती, तो उन्हें डिफिकल्टी होती थी। देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, सो स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट्स बाय हैंड। उस टाइम पे जो है कई भी जो है प्रिंटर्स नहीं हुआ करते थे, प्रिंटर्स नहीं होते थे, प्रिंटिंग मशीन नहीं होती थी। अब अगर प्रिंटिंग मशीन नहीं होगी तो क्या होगा भाई? अगर प्रिंटिंग मशीन नहीं होगी तो उसकी कॉपीज नहीं बनेगी, तो हमें हैंड से ही बनाना होगा। तो हैंड से कई सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स की जो कॉपीज बनाई गई। इफ यू हैव एवर कॉपीड अ फ्रेंड्स होमवर्क यू वुड नो दैट दिस इज नॉट अ सिंपल एक्सरसाइज। अब अपन सब होमवर्क करते हैं। अब होमवर्क में मान लो कि आपने किसी का होमवर्क कॉपी किया, क्या किया, अपने फ्रेंड का बोला कि भाई योर होमवर्क हैज बीन डन, नाउ आई विल कॉपी योर होमवर्क सो दैट माय होमवर्क इज आल्सो डन। तो आपने जब कॉपी किया होगा तो इजी नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट, बट जस्ट यू आर कॉपिंग इट। समटाइम्स यू कैन नॉट रीड योर फ्रेंड्स हैंडराइटिंग एंड आर फोर्स्ड टू गेस व्हाट इज रिटन। और समटाइम्स आपको जो अपने फ्रेंड की हैंडराइटिंग है वो समझ में नहीं आई होगी, भाई इसने लिखा क्या है, इसकी हैंडराइटिंग आई डोंट लाइक इट बट स्टिल आई हैव टू राइट। तो रिटन राइटिंग करना इज नॉट अ सिंपल प्रोसेस, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। सो नाउ एज अ रिजल्ट देर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस। तो कई तरीके के डिफरेंसेस हुआ करते थे, क्योंकि उन्होंने जब उनका ट्रांसलेशन वगैरह करने की कोशिश करी तो उन्हें कई तरीके के वर्ड अंडरस्टैंडेबल भी नहीं थे। इन योर कॉपी ऑफ योर फ्रेंड्स होमवर्क, तो इस वजह से आप भी देखोगे कि आप जब किसी अपने दूसरे फ्रेंड का होमवर्क कॉपी भी करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स निकल के आ जाएगी, कुछ वर्ड्स जो है डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि कभी कभी आपको अगर कुछ वर्ड समझने में नहीं आएगा तो यू विल राइट अकॉर्डिंग टू योर थिंकिंग दैट व्हाट इज रिटन। इट इज क्लियर? नाउ वी विल मूव फर्दर। मैन्युस्क्रिप्ट्स कॉपीइंग इज समवॉट सिमिलर। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स कॉपीइंग वाज समवॉट सिमिलर। ये क्या है? सिमिलर है। एज स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट्स दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस। अब जब स्क्राइब्स जो थे कई तरीके के, जैसे ट्रांसलेशन होते हैं ना, तो इस तरीके के स्क्राइब्स जो हुआ करते थे उस टाइम पे, जो लिखा करते थे ऐसी चीजें, अब वो जो कॉपी करते हैं, जो कॉपी करेंगे तो चेंजेस भी ले आएंगे कई तरह के। अ वर्ड हियर अ सेंटेंस देयर, एक वर्ड हियर है कोई दूसरा सेंटेंस उधर है। द स्मॉल डिफरेंसेस ग्रू ओवर सेंचुरीज ऑफ कॉपिंग until manuscripts of the
सेम टेक्स्ट बिकेम सब्सटेंशियली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। तो वो इस तरीके से लिखते थे कि एक जो है दूसरे से अलग हो जाती थी। ये देखिए लिख रहे हैं। अब इसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी आर्चिव, भाई आर्चिव क्या होती है। तो आर्चिव की डेफिनेशन आपको यहाँ पे भी दी हुई, जो मैंने बताया था वही है, अ प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड। जैसे मैंने बताया था डॉक्यूमेंट्स जो स्टोर्ड होते थे इसमें, दे ऑल नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव आर्चिव वेयर दे कीप ऑल देयर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड ट्रांजेक्शन। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज आर्चिव, तो आप ये डेफिनेशन वहां पे लिख दोगे। यहां तक क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद आगे क्या है, मैंने आपको ये बताया जिस तरीके से ये लिख रहे हैं, अलग तरीके की स्क्रिप्ट होती थी। ये देखिए डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर होते थे। तो दिस इज सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज वी रेयरली फाइंड द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द अनदर ऑथर टुडे। इस तरीके से कॉपीज होती थी, कॉपी करते थे वो, इस वजह से क्या होता था कि जो ओरिजिनल है उसे फाइंड करना कि ऑथर ने क्या लिखा था एक्चुअल में वो डिफिकल्ट है। ऑथर ने एक्चुअल में क्या लिखा था वो फाइंड करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, इट इज नॉट एन इजी प्रोसेस। वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कॉपीज मेड बाय लेटर स्क्राइब। वी आर टोटली डिपेंडेंट है, हम किस पे डिपेंडेंट है भाई, जो भी कॉपीज हमें स्क्राइब्स ने बनाकर दी है, जो वहां पे ट्रांसलेशन किया करते थे स्क्राइब, तो उन पे डिपेंडेंट है। एज अ रिजल्ट हिस्टोरियंस हैव टू रेड डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट वर्जन ऑफ द सेम टेक्स्ट टू गेस व्हाट द ऑथर हैड ओरिजिनली रिटन। तो इस वजह से जो हमारे हिस्टोरियंस थे ना उनको कई ज्यादा डिफिकल्टी, उन्होंने एक टेक्स्ट को कई तरीके से बार बार लिखने की कोशिश करी, एक बार से काम नहीं चला, बार बार देखा, कई अलग अलग टेक्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट देखी कि भाई मैं एक्चुअल में ऑथर कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि कई जगह पे हमें डिफरेंट मीनिंग पता लग रहा था, कहीं पे डिफरेंट मीनिंग पता लग रहा है। सो इट इज एन डिफिकल्ट टास्क, सो इट इज एन डिफिकल्ट टास्क। चलिए आगे चलते हैं। ऑन ओकेजन ऑथर रिवाइज देयर क्रॉनिकल एट डिफरेंट टाइम। अब कई बार तो ऐसा होता था कि ऑथर्स जो है वो बार बार रिवाइज करते थे कि भाई जो हम लिख रहे हैं वो एक्चुअल में करेक्ट है नहीं है, क्रॉनिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइम्स, सबकी क्रोनोलॉजी देखा करते थे वो। 14th century का जो क्रॉनिकल था उसके समकालीन जो पर्सन था जियाउद्दीन बरानी, क्या नाम है इसका याद रखिए, जियाउद्दीन बरानी, ये आपका एक 14th सेंचुरी का क्रॉनिकल है समकालीन। उसने क्या लिखा, रॉट इज क्रॉनिकल फर्स्ट टाइम इन 1356 में, क्रॉनिकल लिखा फर्स्ट बारानी 1356 या फिर 1356 एंड अनदर वर्जन 2 years लेटर। और फिर उसने इसका अनदर वर्जन भी लिख दिया कि भाई एक में तो पता नहीं हमने क्या बताया, हम दूसरे में कुछ और आपको नई चीजें बता देते हैं, अभी तीसरे में कुछ और नई चीजें बता देते हैं, ये सारी चीजें जो है जरूरी है। द टू डिफर फ्रॉम ईच अदर बट हिस्टोरियंस डिड नॉट नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वर्जन। बट हिस्टोरियंस जो है फर्स्ट वर्जन के बारे में जानते नहीं, कि फर्स्ट वर्जन के बारे में कैसे जानेंगे, ये भी बात जरूरी है। अंटिल द 1960s तक जो है फर्स्ट वर्जन के बारे में इतना ज्यादा नहीं पता कर पाते थे हिस्टोरियंस, क्योंकि कई तरीके के जो है चीजें हो जाती थी उनके समकालीन। तो हमने इस तरीके की चीजें यहाँ पे देख ली कि भाई ऑथर जो है अलग अलग चीजें लिखा करते थे। अब हम आगे देख लेते हैं कि भाई इसमें आगे क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, इट रिमेंड लॉस्ट इन लार्ज लाइब्रेरीज कलेक्शन। तो कई तरीके की लाइब्रेरी होती थी, तो उन लाइब्रेरीज में बड़ी बड़ी इन सब की जो है वर्जन पड़े होते थे, उनको कौन पढ़े, उनमें से कौन ढूंढे कि भाई सही में एक्चुअल में क्या हुआ था। कई तरीके की एनालाइज करने पड़ेंगे, कई तरीके की क्रॉनिकल्स, कई तरीके की जो बुक्स हैं हमें देखने होंगे, इट इज एन डिफिकल्ट टास्क। तो हमने ये देख लिया डिफिकल्ट टास्क जो हमारा था। अब हम देखेंगे क्या न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप। तो कई तरीके के पॉलिटिकल ग्रुप्स बने, क्योंकि रूलर्स जो है समटाइम्स रूलर्स
आर एक्सप्लोरेटरी इन देयर नेचर, सो पीपल रिवॉल्ट, पीपल हैज टू रिवॉल्ट। अब जब उन्होंने रिवॉल्ट किया तो कई तरह पॉलिटिकल ग्रुप्स बने जो उनकी आइडियोलॉजीज थी, कहीं की सोशल थी, कहीं की कुछ और थी, उन सब के बारे में हम देखेंगे यहाँ पे, तो वन बाय वन वी विल डिस्कस इट। ठीक, चलिए देखते हैं। द स्टडी ऑफ द थाउजेंड ईयर्स बिटवीन 700 एंड 750 इज अ ह्यूज चैलेंज टू हिस्टोरियन, लार्जली बिकॉज ऑफ द स्केल एंड वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट दैट ऑकर्ड ओवर द पीरियड। तो 700 मतलब 700 से 1750 तक का अगर हमें कुछ पता करना है तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है हिस्टोरियंस के लिए, भाई क्या क्या डेवलपमेंट हुआ था, और वो डेवलपमेंट जो हुआ था वो एक्चुअल में हुआ भी था, इट इज जस्ट एन अजम्पशन। इफ इट इज एन अजम्पशन देन वी हैव टू नो व्हाट इज द रियल फैक्ट, सो वी विल रीड अगेन एंड अगेन, वी विल रिवाइज इट, सो इट इज एन डिफिकल्ट टास्क, वेरी डिफिकल्ट। एट डिफरेंट मोमेंट्स इन दिस पीरियड न्यू टेक्नोलॉजीज मेट देयर अपीयरेंस। तो डिफरेंट मोमेंट्स में इसमें क्या हुआ कि कई तरह की टेक्नोलॉजीज जो है वो अपीयरेंस में आई, लाइक द पर्शियंस व्हील इन इरीगेशन। जब इस तरीके की चीजें हो रही थी उस टाइम पे एक डेवलपमेंट हो गया, वही इरीगेशन के लिए एक व्हील बनाया किसने, पर्शियन ने। इसे क्या बोला जाता है, पर्शियन व्हील इन एग्रीकल्चर, दैट इज एग्रीगेशन। तो इस तरीके की जो है चीजें हुई, इरीगेशन में हमें व्हील मिला, कौन सा व्हील मिला, पर्शियन का व्हील मिला, टेक्नोलॉजी बनाई उसने, पर्शियन व्हील बनाया इरीगेशन के लिए पर्शियन। द स्पिनिंग व्हील इन वेविंग, ये वेविंग में काम आता था, एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, तो कॉम्बैट में भी काम आता था ये व्हील। तो इस तरीके से उनका यूज किया जाता था इन व्हील्स का। ठीक है, न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस अराइव्ड इन द सबकॉन्टिनेंट। और कई तरीके के जो फूड्स है ना, जो बेवरेजेस है, वो अराइव हो गए थे कहां पे, कॉन्टिनेंट, कहां से, कई दूसरे प्लेसेस। और वो कौन कौन से फूड्स थे भाई, वो थे पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी, कॉफी। पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी, कॉफी, ये जो है अलग अलग कॉन्टिनेंट से आया था इंडिया में। ठीक है, और कहीं है, तो रिमेंबर दैट ऑल दीज इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड क्रॉप्स केम अलोंग विद पीपल हु ब्रॉट अदर आइडियाज विद देम एज वेल। तो ये किसके कारण हुए, ये क्रॉप्स की, ये टेक्नोलॉजीज की इन्वेंशन किसके कारण हुई, कई तरीके के जो ग्रुप्स थे वो वन प्लेस से अदर प्लेस में जो मूव करते थे, वो अपने आइडियाज शेयर करते थे, उन आइडियाज शेयर करने के कारण ही ये जो टेक्नोलॉजीज है वो डेवलप हो गई। एज अ रिजल्ट दिस वॉज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। तो इकोनॉमिकल चेंजेस आ रहे थे, लोगों के पास वेल्थ आनी स्टार्ट हो गई, लोग जो है कई तरीके गुड्स का यूज करने लगे, पॉलिटिकल उनको जो है अपने रूलर्स पे विश्वास नहीं रहा, पॉलिटिकल रैलियाज हुई, रिवोल्ट हुआ, उन्हें सोशलिस्ट अप्रोच में अच्छा लगा, उन्होंने अपने कल्चर्स जो है अकॉर्डिंग टू द चेंजेस चेंज किए। इस तरीके की कई सारी चीज़ें, और ये सब हम जो है कहाँ पढ़ेंगे, चैप्टर 5, 6 और 7 में, अभी हमारा चैप्टर 1 कर रहे हैं। तो बाकी चीज़ें जो है इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ये कल्चरल, ये सब हम हमारे चैप्टर 5, 6 और 7 में करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं ना, इस चीज का आपको ध्यान होना चाहिए, पढ़ क्या रहे हैं, पढ़ हम यहाँ पे न्यू सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स पढ़ रहे हैं। मैंने तो आपको बताया कई तरीके पॉलिटिकल चेंजेस हुए, कई तरीके की सोशलिस्ट अप्रोच आए, पर्शियन व्हील ने भी हमारा बहुत ज्यादा साथ दिया टेक्नोलॉजी में। तो दिस वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। मोबिलिटी मीन फ्रॉम वन प्लेस to another, if person is moving, it is called mobility. Mobility may be of persons, may be of goods. So groups of people travel long distances in search of opportunity. So opportunity के लिए one place से other place में जो है वो move करे person. For what? For any opportunity they will give to them. तो ये हमने देख लिया, अब आगे देखते हैं। The subcontinent held immense wealth.
देखा जाए तो उन्हें क्या मिला, उन्हें इमेंस वेल्थ मिली इन सबसे, एंड द पॉसिबिलिटीज ऑफ पीपल टू कार्व अ फॉर्च्यून। तो फॉर्च्यून जो उनका भाग्य है उसे अच्छा करने के लिए पॉसिबिलिटीज उन्हें मिली लोगों को, जस्ट बिकॉज ऑफ पीपल ट्रेवल वन प्लेस टू अनदर देर आर मेनी पॉसिबिलिटीज विच विल अराइज इन फ्यूचर फॉर देम एंड विल क्रिएट वेल्थ फॉर देम। वेल्थ मीन्स मनी, गुड्स, फूड, बेवरेजेस एंड अदर थिंग्स। वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड वर द राजपूत। अब इन सब में जो राजपूत आगे बढ़ चढ़ कर आए, और अ नेम ड्राइव्ड फ्रॉम राजपुत्रा, और एक नेम ड्राइव हो कौन सा, राजपुत्र, द सन ऑफ अ रूलर, एक नया नेम जो है वो ड्राइव हुआ, कौन सा, राजपुत्र, अ सन ऑफ रूलर, रूलर का जो सन था वो ड्राइव हुआ। ठीक है, तो हमने देख लिया ये, अब चलिए आगे चलते हैं। बिटवीन द 8th एंड 14th सेंचुरी, 8th एंड 14th सेंचुरीज के बीच में अगर बात करें तो क्या हुआ, चलिए देखते हैं। 8th एंड 14th सेंचुरी, द टर्म वॉज अप्लाइड मोर जनरली टू अ ग्रुप ऑफ वॉरियर्स हु क्लेम्ड क्षत्रिय कास्ट स्टेटस। द टर्म जो थी ना ये राजपुत्र की, कौन सी टर्म, राजा पुत्रा, राजा का पुत्र, ये टर्म बहुत ज्यादा यूज हुई कब, 8वीं और 14वीं, मतलब 8th एंड 14th सेंचुरी। वो ये राजपुत्र जो है किस तरीके के स्टेटस के वाले थे, क्षत्रिय स्टेटस वाले, कौन से थे, क्षत्रिय स्टेटस, ये जो है क्षत्रिय स्टेटस वाले थे। ठीक है, देख लिया क्षत्रिय स्टेटस था इनका, तो आपको ये जो है याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द टर्म इंक्लूडेड, ये जो टर्म है ना राजपुत्र की, वो इंक्लूडेड नॉट जस्ट रूलर्स एंड चिफेथियंस बट ऑल्सो सोल्जर्स एंड कमांडर्स हु सर्वड इन द आर्मीज ऑफ डिफरेंट मोनार्क्स ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। उनमें भी ऐसा ही होता था, उनमें भी ये टर्म जो यूज की जाती थी, राजपुत्र है या फिर कमांडर्स का कोई है पुत्र, सोल्जर्स का है, तो इस तरीके के जो है बोला जाता था उनको, मोनार्क्स है, तो वहां पे सब कॉन्टिनेंट में इस तरीके की चीजें जो है चलती थी। अ क्यूवेलरिक कोड ऑफ कंडक्ट, एक्सट्रीम वैलर एंड अ ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी वॉज द क्वालिटी एट्रीब्यूटेड टू राजपूत बाय द देयर पोइट्स एंड बार्ड्स। कई तरीके के पोइट्स हुआ करते थे जो राजपूत को जो है बहुत ज्यादा माना करते हैं। ठीक है, उनकी क्वालिटीज को बताते थे भाई, राजपूतों में क्या क्या क्वालिटीज थी वो उनको बताया करते थे। ठीक, और अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एज मराठास भी थे उस समय, सिक्स भी थे, जट भी थे, अहोम्स भी थे, अहोम किंगडम का नाम आपने सुना होगा, असम के उधर है, कयास्थान्स भी थे। ये कयास्थान्स क्या है, ये कास्ट है ऑफ स्क्राइब्स की, मतलब स्क्राइब्स क्या होते हैं जो लिखा करते थे, कॉपी किया करते थे, एंड सेक्रेटरी ऑल्सो यूज द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द एज टू बिकम पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट। तो उन सब ने भी इस एज का बहुत ज्यादा यूज किया, और वो पॉलिटिकली ताकि इम्पोर्टेंट हो सके, क्या हो सके, पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट हो सके, तो इस वजह से उन्होंने ये सारे जो है चीजें करी थी। हमने ये यहाँ पे देख लिया, ठीक है, यहाँ पे ये देख लीजिए, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये पर्शियन व्हील है। ठीक है, ये फिगर आपको जो बताया हुआ है ये किसका है, पर्शियन व्हील है, इसका इरिगेशन में जो है पहले यूज किया जाता है। देखिए किस तरीके से हमारा डेवलपमेंट हुआ, ये पर्शियन व्हील, हमने यहाँ पे पर्शियन व्हील देख लिया। तो इस तरीके से हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब हमारा जो बाकी का है चैप्टर रीजन एंड एम्पायर वाला, वो हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, और जो हमारे कुछ हैबिटेट के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है ये भी हमारे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।